बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़ोमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कहा चलो सामान को अच्छे से साफ़ करके और जाले भी उतारते हैं। ये देखिए मैंने जाले, और ये देखिए ना वाइट वाइट, ये चूना बहुत ज़्यादा उतरता है और यहाँ पर ना सेक भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। मैंने कहा चलो पहले तो बैग को साफ़ करके इनके ऊपर कपड़ा देके इनको रख देते हैं। आज सिर्फ करूँगी अपने कमरे की सफाई क्योंकि रात यहाँ पे सोएंगे। तो बैग को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, इस बैग को भी कर लिया। अभी मैं कपड़े लेके आऊँगी, कुछ पुराने मेरे पास दुपट्टे पड़े थे, ये भी मेला है तो इसे भी वॉश कर लेंगे, कल इसको वॉश करूँगी। बाकी मेरे पास और कपड़े हैं तो इन दोनों को बैग को कवर कर लेते हैं ताकि मिट्टी हमारे ऊपर ना जाए। तो पहले इसको करते हैं, अलमारी को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ऊपर से। ये देखिए वैसे मैंने सूखे कपड़े के साथ तो इसे साफ़ कर लिया, मगर थोड़ा मैंने कहा चलो गीला कपड़ा भी घुमा लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी अलमारी हो जाए साफ़। तो भाई मैंने कहा चलो आज से सफाइयाँ भी शुरू कर लेते हैं, अब नहीं करूँगी। तो अभी शुक्र है अल्लाह का, आज धूप भी अच्छी खासी निकली और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा है, सर्दी इतनी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये बाकी के काम कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अच्छे से बैग को साफ़ करके और अलमारी को भी ऊपर से साफ़ करके कपड़े देके मैंने इनको रख दिया। अभी चलते हैं दूसरे रूम में, तो वहाँ की भी बैग उतार लेते हैं और सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना सेक बहुत था, ये मैंने झाड़ू के साथ अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उतारा। ये देखिए ना इसका बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सही हो गया है। और ये अल्लाह मियाँ की जो तस्वीरें हैं, तो माशाल्लाह से यहाँ की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। यहाँ जो सेक है ना वो सेक मैंने अच्छी तरह से उतार लिया और इन तस्वीरों को भी साफ़ कर लिया। और ये देखें बैग को भी अच्छे से साफ़ करके, अलमारी को साफ़ करके ऊपर बैगों को कवर कर लिया है कपड़े से, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी जाती रहती है। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ इन बैगों को साफ़, काफ़ी टाइम के बाद नहीं करती है। और कुछ औरतें होती हैं सॉरी, वो काफ़ी देर के बाद दो दो तीन तीन माह साल भी गुजर जाता है बैग को साफ़ नहीं करते। तो मैं हर महीने हफ्ते जब टाइम मिलता है तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। बाकी डिवाइडर को मैंने साफ़ कर लिया था और पंखा, ये हमारा इतना मेला नहीं है तो उधर चलते हैं, उधर का जो है ना पंखा भी बहुत ज़्यादा मेले हैं। और ये देखें मेरे कमरे की हालत आप देख सकते हैं, अभी तक मैंने कुछ काम भी नहीं किया। और सुबह से मैंने चलाई थी मशीन, कपड़े कुछ वॉश किए थे तो लाइट ने भी आज साथ नहीं दिया, मगर माशाल्लाह से गर्मी, ऐसे लग रहा है जैसे आज गर्मी का मौसम आ गया, धूप काफ़ी तेज़ है ये देखें। और ये मेरे कपड़े भी, तो अभी यहाँ से कर लेती हूँ सफाई ऊपर से, फिर इन बैग को भी अच्छे से साफ़ करके ऊपर रख दूँगी। और इस अलमारी की भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, अब यहाँ पे रखेंगे। कंबल का खाली कवर है तो अभी इधर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कहाँ पे चढ़ी हुई मैं। ये मैंने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये मैंने रख के यहाँ पर, और किताबों को भी ऊपर कर लेते हैं, अल्लाह मियाँ के नाम है। अभी इस टेबल को उठाते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अलमारियाँ ऊपर से चमक गई हैं। इधर से भी मुझे साफ़ करना है, आज थोड़ा बहुत ऊपर वाला काम कर लेती हूँ। जाले तो मैंने यहाँ के उतार लिए हैं, बस अभी यही काम रहता है। तो ये काम करके फिर हम कुछ और काम करेंगे। कल इंशाल्लाह टाइम मिला तो फर्श धो लूँगी, कोशिश तो है कि बस जल्दी जल्दी से घर को करूँ साफ।
तो यहाँ से मैं झाड़ू ही दे देती, मगर फ़िलहाल तो दे रही हूँ, कल इंशाल्लाह फ़र्श धोऊंगी, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा है, अलमारी के नीचे बेड के पीछे बहुत ज़्यादा गंद है, तो ये वैसे निकलेगा ही नहीं जब तक फ़र्श को हम साफ़ नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, तब तक हमारा फ़र्श जो है ना साफ़ होने वाला नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने कहा इस कमरे में सोते हैं तो थोड़ी बहुत बस झाड़ू दे देती हूँ, हल्की फुल्की सी, बस थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो आराम से सो पाएंगे। ये देखें, ये अभी मैंने जो जाले उतारे ना उसका गंध है, तो इसके पीछे भी इतना ही गंध है, और बेड के नीचे देखें बहुत ज़्यादा गंध है, तो वैसे ये साफ़ होने वाला नहीं है। तो थोड़ी बहुत मैंने अपने कपड़े की सफाई करके और चादर भी मैंने सेट कर लिए, अभी लेके आती हूँ कंबल। कंबल को यहाँ पे रख के, और माशाल्लाह से देखें कमरा कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने वैसी सफाई नहीं की, पीछे आपको दिखाती हूँ कितना गंद है, ये देखें, बस ये ऊपर ऊपर से की है, ये देखें ये पीछे सारा, ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा गंद है, और यहाँ पे सेक बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ये पूरा दिन बस यहाँ से सेक गिरता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखना। अल्लाह आपको भी अपने सम्मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।